आज जुमेरात है 19 सितंबर 2024 ईस्वी 14 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी श्रीनगर से पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां सुनने वाले सभी समय इनको जान मोहम्मद का सलाम कबूल हो। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में 24 असेंबली हलकों में कायम 3,276 पोलिंग बूथों पर पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम के बीच पोलिंग। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग की शरह 59% जोशो खरोश के साथ सुबह सवेरे वोट डालने के मुकर्रर वक्त से पहले ही मर्द जन और नौजवान पोलिंग मराकज पहुंच गए थे। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में कुल 59% वोटिंग रिकॉर्ड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। 24 निशस्तों पर वोटिंग मुकम्मल 219 उम्मीदवारों की किस्मत मशीनों में बंद 59% रायदही कश्तवाड़ में 77% और पुलवामा जिले में सबसे कम 46% पोलिंग। जनूबी कश्मीर में जमहूरियत का जश्न कस्बों में कम लेकिन देहात में जमकर वोटिंग 10 साल के बाद लोगों का जबरदस्त रद्द अमल। आज श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क में बड़ी इंतखाबी रैली वजीर अजम नरेंद्र मोदी करेंगे अहम खिताब। शहर में फकीरुल मिसाल सिक्योरिटी इंतजाम मकामी जलसगा अमलन सील। जनूबी कश्मीर में वोटरों की इलेक्शन से मुतलक राय बुनियादी सहूलियत की बहाली के लिए वोट दिया बिजली फीस में इजाफा और राशन में कटौती अजाब का 22 रियासती दर्जे की बहाली अहम मामला। अगर जमात इस्लामी वाले सियासी मसाइल का हल चाहते हैं तो कोई गुनाह नहीं आवाम कश्मीर के दुश्मनों और धोखेबाजों के खिलाफ वोट देंगे इंजीनियर रशीद। कांग्रेस को हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं भाजपा अपनी आवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से आवाम के सामने बेनकाब पायलट। गुज़श्ता 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर में कोई असूल एलजी नहीं बनाएगा उमर अब्दुल्ला। गुलमर्ग हलका में इंजीनियर रशीद का शानदार इस्तकबाल बीजेपी के नया कश्मीर विजन को मुस्तरद कर दिया उम्मीदवार आदिल नजीर की हिमायत की अपील की। अक्वामी मुतहिदा में फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर करारदाद हक में 124 और मुखालिफ में 14 वोट आए। जम्मू कश्मीर में तवील मुद्दत के बाद असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हम चाहते हैं खत्मे अमन और तरक्की को यकीनी बनाया जाए वोटरान का इजहार ख्याल। पीडीपी उम्मीदवारों का पोलिंग स्टेशन में पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम बीजेपी उम्मीदवारों पर खवातीन वोटरों के शिनाख्ती कार्ड चेक करने का इल्जाम आयद किया। बाबर आजम ने कप्तानी हासिल करने के लिए शाहीन आफरीदी को धोखा दिया सहापी। आप समाप्त कर रहे थे आज की सुर्खियां। दीजिए अपने मेजबान जान मोहम्मद को इजाजत अल्लाह हाफिज़।